72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अयाशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी मुझे वहां क्या मिलेगा? ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अयाशी है, 72 हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अयाशी है शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अयाशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है, अयाशी की तो जगह है वो। औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरे मिल रही है? कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा आपको अगर एक टाइम पे दो मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी। आप जाइए मौलवियों के पास, इस्लाम धर्म इसी की बात करता है। वो कहता है भैया अगर आप कुरान की आयतों के हिसाब से अच्छे व्यक्ति बनोगे आप जाओगे जन्नत जाओगे, और जन्नत में बहुत आनंद है, सुंदर पार्क हैं, और वहाँ पर तो 72 हूरे भी हैं जिनके साथ आप इंजॉय करोगे। और अगर आपने उन आयतों के हिसाब से नहीं चले और बुरे काम किए तो आपको जाना पड़ेगा दोजख अर्थात जहन्नम, और जहन्नम में आग के दरिये हैं, खूब पिटाई होती है। ठीक है, देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने का की तरगीब दी, उसको इनकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मैं मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मोस्टली 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इस्लाम को बदनाम करने के लिए 72 हूरों पर मीम्स और मूवीज बनती रहती हैं, और न्यूज चैनल पर भी मुफ्ती और मौलाना को बुलाकर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ पर 72 हूरे या औरतों को जन्नत में क्या क्या मिलेगा इस पर बात नहीं की जाती है, बल्कि उनका मेन मुद्दा इस्लाम को बदनाम करना है। जबकि देखा जाए तो हूरों और अप्सराओं का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है, वो भी 72 से ज्यादा। जी हाँ, इनके धर्म ग्रंथ के अनुसार युद्ध भूमि में शहीद होने वाले को 1000 अप्सराएं मिलने का प्रमाण है। जिस तरीके से अच्छे काम के लिए इस दुनिया में इंसान को रिवॉर्ड दिया जाता है और बुरे कामों के लिए सजा, तो मरने के बाद भी जन्नत और जहन्नुम या स्वर्ग या नर्क इसीलिए है। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, स्वर्ग, नर्क, ये सारी बातें आपको हर धर्म की किताब में मिल जाएगा, लेकिन इनको तकलीफ सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड जन्नत और जहन्नुम से है कि जन्नत में मर्दों और औरतों के लिए क्या क्या है, जहन्नुम में क्या क्या सजाएं हैं, और इन सब सवालों को करने का मतलब सिर्फ इनको इस्लाम को बदनाम करना है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि जन्नत और जहन्नुम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप एक हिंदू पंडित केशव मुरारी दास जी को भी सुनेंगे, जिनके अनुसार हिंदू पंडित ये मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क यानी कि जन्नत और जहन्नुम एग्जिस्ट करते हैं, और हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होगा। और मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने 72 हूरों के बारे में क्या बताया है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी। ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब वहाँ अय्याशी का तस्वीर भी नहीं कर सकता। yes. मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी बदत है। अच्छा, आजकल ना एक और बड़ी मसला बन चुका है, मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। वो मौलाना साहब से कह रही है कि आप लोग कहते हैं जन्नत में मर्द को 72 हूरे मिलेंगी और ये होगा और इतने आदमियों के बराबर, ये तो अय्याशी है, ये तो अय्याशी है। और मौलाना साहब डिफाइन कर रहे हैं कि वो कह रही है हमें क्या मिलेगा, वो बता रहे हैं कि आप जन्नत में अगर जाएंगी तो हूरों की सरदार होंगी, और फिर मीम्स बनी हुई है उस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना साहब, अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाती ना, मैं उनसे कहता कि आपको इनके सामने बैठने की जरूरत क्या है, आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो? हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि उलमा उसके पास बैठकर अपनी इल्मियत का जनाजा निकलवाएं, अपने आप का मजाक उड़वाएं। क्या जरूरत है आप एक बाल खुले हुए एक औरत के और लिबरल अंटी है और उसके साथ बैठ के आप बोलो भाई मोहतरमा आपको अगर जन्नत समझ में नहीं आती तो आप जाओ जहन्नम में, हमें कोई शौक? इनको दलाइल नहीं देने चाहिए, इससे तो आप और मजाक उड़वा रहे हैं। बात उससे की जाती है जो बात समझना चाहता हो, जो बात समझना चाहता हो। हर मोतरिस के इतराज का जवाब नहीं, हमें कितनी दफा टीवी में बुलाया गया फला के सामने बैठना है, मैंने कहा मैं बैठूंगा ही नहीं फला के सामने, मैं अपनी बेइज्जती के लिए बैठूं फला के सामने?
आप कह सकते हो इसका मतलब आपके पास दलाइल नहीं है, तभी आपको बेइज्जत। दलाइल है सामने वाला, उसमें ना समझने की सलाहियत है ना वो समझने के लिए बैठा है, वो बैठा ही मजाक उड़ाने के लिए। जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतनी हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो, ये तो खुदा के गजब को दावत देने वाली बात है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह लाजमी जहन्नम में डालेगा कि तुम तो ना सिर्फ ये कि इंकार करते थे, तुम तो इस जन्नत का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम कैसे मुझसे ये जन्नत मांगते हो। तो ये जो बाज मौलाना टाइप के लोग इस तरह लिबरल एंटियों के सामने बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई इल्मी बहस हो, कोई उसमें कोई टॉक शॉक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जाके मजाक उड़वाना। अब इन्होंने जब ये कहा कि आप उन जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो लोग हंस रहे हैं उस पर। पहली बात ये क्यों सरदार होगी, इसमें क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, इसमें क्या है ये क्यों सरदार होगी जन्नत। खैर उन्होंने तो ये कहा था अगर ये जन्नत में चली जाए, ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अय्याशी है, बहत्तर बहत्तर हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है, जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो, इसमें कौन सी ऐसी कंफ्यूजन की बात है, ये तो जन्नत का हुसन है कि ऐशो इशरत की जगह है। क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें? नहीं चाहता हूं। वहां जाकर भी आपकी सेवा ही करें? आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप आस्था की आड़ नहीं ले सकते हमेशा। आप हमेशा आस्था की आड़ मत लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती? आप नकार नहीं सकते। तो वही बताइए क्यों औरत इससे ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकती। और ये जो इतराज फजूल किस्म का कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही है, कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा आपको अगर एक टाइम पे दो मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी, शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है, बाय नेचर। नेचर ही बिगड़ जाए तो एक नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार, सतार को सुबुक्तुकीन, सुबुक्तीन को अब्दुल शकूर को, ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। अरे अंग्रेजों में जब बच्चा बाले होता है तो फिर पूछते हैं बेटा मेल चाहिए कि फीमेल, बहू किसको बना के लाऊं, फीमेल को बहू बनाऊं या मेल को। जब फितरत मस्त हो जाए तो फिर तो, अब आप कहो कि एक आदमी को शौक ही मेल्स का है, अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा। तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी नहीं जो फीमेल के बजाय किसका शौक रखते हो। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने आसमान पे उठा के उल्टा देके पटक के हलाक, इनका तो गजब होगा। तू जहन्नम में जाएगा, फिर तेरी च्वाइस है वहां मेल को के पीछे भाग या फीमेल के पीछे भाग। जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है वो औरत औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, जानवरों में आप इसकी मिसालें देख लें। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है, ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल पर कई सारे मेल रखे। कभी देखा आपने फार्म हाउस में एक गाय है और कट्टे बहुत सारे रखे हुए, कभी देखा आपने दुनिया में ऐसा पागल देखा। इन औरतों का असल जवाब यह है, इनका इल्मी दलाइल से जवाब नहीं होता, इनका जवाब इन्हीं की बात को इन्हीं पर लपेटा जाए। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और आठ बकरे रखे हुए, कभी देखा? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगे थे ना, इस पे किसी ने एक मुर्गी का दिखाया, एक मुर्गी और दस मुर्गे का, और बड़ी अच्छी मीम बनाई थी। वो मुर्गी बिलाखिर इस दारे फानी से कूच कर गई, वाकई मर गई, हकीकत है। तो उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का अंजाम देखो। तो ये उल्टा है, ये सवाल ही बेहुदा है कि औरतों को क्या मिलेगा जब, यानी मर्दों को इतनी औरतें, ये ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर बोलो नहीं है। शरीफ औरत एक शोहर से के अलावा नहीं चाहती किसी को, चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है, शाट है, शराफत नहीं है उसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शोहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शोहर खराब है या क्या है वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है, वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहां से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊं, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है उसकी भी बन जाऊं, ये फिर ये क्या है, ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स, 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है, हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लोट जाएगा, गरम गरम कड़ाही के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको। तो गेम बजाना पड़ेगा।
सुधीर साहिबा ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं, क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है, यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्मश्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है, अच्छे काम के लिए मिलता है ना। बम तो ये क्या एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? इनकार तो कर दिया मौलाना साहब। अरे रुको जरा, सबर करो। कई बार प्रवचन करने के बाद कुछ लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी क्या ये नर्क स्वर्ग सच में होते हैं या खाली डराने के लिए है लोगों के? अच्छा, अगर हम ऐसा ही माने कि शायद नर्क स्वर्ग नहीं है, सीइंग इज बिलीविंग, पहले दिखाओ तो मानेंगे, तो शायद हम लोग नहीं दिखा पाए। कई बार लोग इतने कष्ट में होते हैं यहाँ पर कि उनके लिए यही नर्क होता है। नर्क में बोला जाता है कि काफी यातनाएं मिलती हैं, जो गलत काम करेगा उसकी वहां पिटाई होगी ताबड़तोड़। और कई बार बोला जाता है स्वर्ग जो है वहां पर अप्सराएं हैं और खूब आनंद मिलेगा, इसलिए अच्छे काम करो तो स्वर्ग जाएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं भैया खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, ना स्वर्ग होता है ना नरक होता है, सब यही है जो यहाँ है। जब कोई किसी के प्रति घृणा पैदा करता है, किसी को मारता है, किसी को पीटता है, किसी का धन छीनता है, किसी के घर में आग लगाता है, किसी को चाकू मारता है, किसी का रेप कर देता है, तो उनको 26 जनवरी में प्रधानमंत्री लाल किले से एक बड़ा सुंदर पदक देते हैं। अच्छा कैसा होता है जी? नहीं, ऐसे लोगों की प्राय फायर होती है और वो सब लोग जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में एक जज बैठे होते हैं, वो उनके प्रूफ देखते हैं, अगर पता चलता है इसने किया था तो तुरंत उन्हें सजा देते हैं। आखिर ये लोग होते कौन हैं फांसी देने वाले? हमने तो अपने मन से जो करना था कर दिया, खाओ पियो ऐश करो की लाइफ थी, हमने कर दिया, हमारा मौका आया हमने कर दिया। ये लोग कौन बैठे काले कोट वाले जो हम लोगों को सजा दे? ये सजा ही क्यों दे रहे हैं, मजा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं वो काले कोट वाले लोग हमें कुछ गिफ्ट देते, कुछ रिवॉर्ड देते? जो गलत करेगा, जो दूसरे को हानि पहुंचाएगा, जो दूसरे को कष्ट देगा, जो दूसरे का सामान छीनेगा, उसको गलत काम कहा जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये केवल हिंदू धर्म में डराने के लिए बात नहीं की गई नरक और स्वर्ग की। अगर ये डराने के लिए की होती तो हिंदू पंडित इसकी बात क्यों कर रहे होते? आप जाइए मौलवियों के पास, इस्लाम धर्म भी इसी की बात करता है। वो कहता है भैया अगर आप कुरान की आयतों के हिसाब से अच्छे व्यक्ति बनोगे, आप जाओगे जन्नत जाओगे, और जन्नत में बहुत आनंद है, सुंदर पार्क है, और वहां पर तो 72 हूरे भी हैं जिनके साथ आप एंजॉय करोगे, और अगर आपने उन आयतों के हिसाब से नहीं चले और बुरे काम किए तो आपको जाना पड़ेगा दोजख अर्थात जहन्नुम, और जहन्नुम में आग के दरिये हैं, खूब पिटाई होती है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम अलग हो सकते हैं लेकिन पनिशमेंट और जगह तो सेम ही है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए खाली ये बोल देना कि स्वर्ग नर्क एग्जिस्ट नहीं करते, ये उसी तरह से है जो व्यक्ति बोले कि मैं नहीं मानता कि कोई कोर्ट एग्जिस्ट करती है, कोई पुलिस एग्जिस्ट करती है, कोई जेल एग्जिस्ट करती है, मुझे तो अपने मन माफिक काम करने दो। लेकिन होता क्या, जैसी गाड़ी ठोकते हैं, जैसे कुछ गलत काम करते हैं, तुरंत खाकी वर्दी वाले पहुंचते हैं, काले कोट वालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जज उनको जजमेंट देता है कि आप अंदर जाइए। के जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, 72 वर्जिन, 72 हूरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हूरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, के सही में ऐसे 72 हूरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब उन हूरों का तस्करा किया जाता है ना, तो कहते हैं 72 वर्जिन, खाली वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ कुछ उसूल है उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाजे हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने का की तरगीब दी, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मैं, मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये एक बिल्कुल नेचुरल सी चीज है। ठीक है, अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई?
इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो चाहे आप इंजीनियर बनो, बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सब सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी। वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने, तो वो लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए, ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसके अपने नाज़रीन से भी कहूंगा। ये आखिरी सवाल आपने पहले कह दिया और इसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है थोड़ा सा अटक गई है लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की, ठीक है। ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरे मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महलात होंगे उसके, ये सारी नेमतें हैं। अब जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का ये होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाक बाज पाकीजा हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है, उस सवाल का जवाब देना ये जरूरी था चूंकि इंसान के दिल में ये सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल ये होता है कि भाई ठीक है चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे। हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है? फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइव्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हैरज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई हैं लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का ये ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नजला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है किसी को, कुछ है किसी, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं जिसका ताल्लुक रूह से है,
वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की दो बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब दो बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शोहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब दो बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कॉम्पिटिशन होगा, और शोहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी, तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक सवाल लास्ट ले जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं, वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरे मिलेंगी और औरत के लिए क्या, औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीजा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो ये पूछे कि भाई मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ, मर्द तो ये सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीजा औरत के अंदर ये सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। चाहे जाए कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है, तुम बाहर ही रहो। अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से ये सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, ये उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक, हूरों का जो तज़किरा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, झूठ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जीन है या नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तस्किरा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं, ठीक है। हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही है उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो, ये क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तस्किरा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तस्किरा आया है कि एक शहीद को 72 बीवियां मिलेंगी। जब हमने ये कह दिया कि हम जेंडर इक्वालिटी में दुनिया में बिलीव नहीं करते, तो आखिरत में तो क्या करेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं, और जेंडर जस्टिस वहां सवाल होता है जेंडर जस्टिस का कि जब दो औरतों में आपस में कंपटीशन हो जाए, दो औरतें आपस में एक दूसरे से जलने लगें, एक दूसरे से कटने लगें, एक दूसरे से हसद हो, जब जन्नत में ना जलन ना हसद, तो जेंडर जस्टिस का कोई सवाल होगा ही नहीं। एक औरत की नहीं, 72 नहीं, 72,000 बीवियां हो, तब भी जेंडर जस्टिस का कोई सवाल नहीं होता। अल्लाह ताला की ने इंसान की फितरत के एतबार से जन्नत की नेमतें जिक्र की हैं, और उस एतबार से इंसान को वो नेमतें मिलेंगी। ये इस सवाल का जवाब था, और उम्मीद है कि वो हमारे हिंदू भाई के जो हक सुनने और समझने का जिगर रखते हैं, वो इस सवाल को गौर से सुनेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और मजाक उड़ाना, चूंकि वो मजाक मुसलमान का नहीं उड़ा रहे हैं, वो मजाक किसी मजहब का नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक अपना उड़ा रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े जाहिल हैं, और वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं और एरोगेंट हैं। तो इस इग्नोरेंस और एरोगेंस से निकलिए, और सामने वाले के जज्बात को ठेस मत पहुंचाइए, चूंकि इस बात का इम्कान है कि आपके जज्बात को फिर दूसरे ठेस पहुंचाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। हालांकि हम उसके खिलाफ है, हमारा मजहब
इस चीज में बिलीव नहीं करता। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रही होगी, और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते हैं कि स्वर्ग या नर्क या जन्नत या जहन्नुम नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। और 72 हूरों पर सवाल करने वालों को भी अच्छा खासा जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज।